मैंने बदतमीजी बात की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने वक्त ज़ाया क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने नमाज़ छोड़ दी, नहीं छोड़नी चाहिए थी, मैंने झूठ बोला, नहीं छोड़ना बोलना चाहिए था, ये मैंने हलाल हराम का नहीं सोचा, सोचना चाहिए था, ये मैंने फला नाफरमानी अल्लाह की, अल्लाह के नबी ने कहा था आंखें नीचे रखो, मैंने ऊपर आंखें देखा, मुझे नहीं करना चाहिए था। जो हर वक्त अपना तस्किया करता रहेगा, मन तज़क्का वज़क्कर इस्मा रब्बी फसल्ला, और जो अल्लाह को याद रखेगा, नमाज पढ़ेगा, कद अफला, वो कामयाब हो जाएगा। और ये आयत कहती है, ऐ ईमान वालो साबित कदम रहो, एक दूसरे को थामे रखो, अकेले अकेले कामयाब नहीं हो सकते, मिलजुल कर, ये उनको आप उनको सभी दूसरे को थामे रखें। मुसलमान एक दीवार की मानिंद है, हर दीवार दूसरी ईंट के लिए सहारा है, हर ईंट दूसरी ईंट का सहारा है, सारी सोसाइटी, सारा टंडोजाम, आपका मोहल्ला, आपकी फैमिली एक दूसरे के लिए थामे रहें, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ईमान वालो अल्लाह से डरो, उसकी तरफ वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये सारी वो आयात हैं। आप सल्लम फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकता। जिसकी शख्सियत में अच्छी अच्छी आदतें हैं और वो जिसकी शख्सियत में अच्छी आदतें नहीं है, बराबर थोड़ी हो सकते। कंपनी भी कह रही है उसको जॉब नहीं देंगे, चाहे किसी जानने वाले का हो। सेठ कहते हैं भतीजे को नहीं रखता मैं, एक सेठ साहब थे, बड़ी मशहूर कंपनी है, किसी ने कहा कि आप यूं यूं करते हैं, उसने बात सुनो, मैंने अपने भतीजे को रखा, नहीं रखा ना, तुम्हें रखा, तुम्हें सलाहियत थी ना, इसलिए रखा था, सलाहियत होगी रखूंगा, वरना भतीजे को भी नहीं रखूंगा। अल्लाह ताला कह रहा है नापाक और पाक बराबर थोड़ी हो सकते। गो कि तुझे नापाक की कसरत हैरत में डालती है, बस है अकलमंदो, टंडो जाम के अकलमंदो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुमको फलाह नसीब हो, कामयाबी नसीब हो। फलाह कामयाबी को कहते हैं। ईमान वालों जब तुम्हारा ग्रोह से मुकाबला हो जाए, साबित कदम रहो, डर मत जाओ और अपनी शहरक को मत छोड़ दो डर के मारे, एटम बम रखते हुए भी। जब तुम्हारा मुकाबला हुआ है, साबित कदमी दिखाओ ताकि अल्लाह की, अल्लाह को कसरत से याद करो, तवक्का है कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ईमान वालों रुकू और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो, उसकी बात मानो हर मामले में, नेक काम करो ताकि तुम फलाह कामयाब, फलाह और कामयाबी तुम्हें मिले। ऐ मोमिनों, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलायाब हो। यानी आज जो कुछ हमने समझा, जाके हमने सबसे पहले आज अपनी तौबा करनी। तौबा से मुराद है पलटना, हमने अल्लाह की तरफ पलटना है कि ठीक है अल्लाह मियाँ, हमने दुनिया की हमें अच्छी चाहिए, मांगे अपने रब से। एक साहब ने मुझे कहा, बहुत अमीर आदमी है, डेटा साइंटिस्ट हैं दुनिया के टॉप 10 में, पाकिस्तानी हैं, और आपके टंडो आदम से हैं, सिंध का लड़का है, नाम लिख लीजिए, उसका नाम है उस्मानी। आप बस उस्मानी भी अगर लिखेंगे ना, डेटा साइंटिस्ट उस्मानी, उसके सामने आ जीशान हसन उस्मानी, टंडो आदम का लड़का जीशान हसन उस्मानी। सीएनएन पर उसका इंटरव्यू आया, उसने अपने उस इंटरव्यू के अंदर जब कहा कि मुझे पता है, एंकर को सीएनएन मनी जो प्रोग्राम आता है बिजनेस का, उसने कहा मुझे पता है कि आप जो है ना किस दिन क्या शॉपिंग करते हैं, और मुझे पता है कि ये प्रोग्राम कब नशर होगा, और मुझे पता है इस पर कितने लाइक्स आएंगे फेसबुक के। तो उसको यकीन नहीं आया, वो घबरा गई, उसने अपना माइक उतार के रख दिया। ये प्रोग्राम मौजूद है दुनिया में टॉप 10 डेटा साइंटिस्ट में है, वो बता देता है कि दुनिया में क्या होने वाला है डेटा की बुनियाद पर। पेशन गोई नहीं, वो तकी आदमी है, नमाजी परहेजगार आदमी है, आप टंडो आदम से है। वो ये कहता है कि मैंने जो है ना तौबा की इतने अल्लाह के हुजूर, और फिर मैंने सोचा अपने आप को मुझे ठीक करना है, अब मैं कहीं से कहीं पहुंच गया। मैं आपसे कहता हूं कि हम सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करें। जो ज़िंदगी गुजरी है, जो नाकामी गुजरी है, अल्लाह ताला दुनिया भी देगा आखिरत भी देगा। और ज़िशान कहता है कि मैं आपको पता है, मैं लम्हे से ही कहता हूँ, लम्हिया मुझे नई गाड़ी चाहिए, यकीन से कहता हूँ लम्हिया मुझे नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी मिलती है। मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आए डॉक्टर कमर, मुझे कहने लगे, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह ताला 15 तारीख को ना मुझे ये घर खाली करना है, 14 को मुझे घर चाहिए। मैंने नमाज़ पढ़ी 2 रकत,
मैं रोया अल्लाह से बिलक बिलक के, मैंने मांगा जैसे कोई बच्चा मांगता है। मैं कहता है 14 को ना, 13 को ना, 15 को, 14 को दूसरा घर चाहिए, ये खाली करना है, मैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा 14 के दिन मुझे एक नया घर मिल रहा था। अल्लाह से तोबा करें, उससे पलटें, उससे मांगें, अपनी शख्सियत में जो अल्लाह कह रहा है वो करें, अल्लाह कामयाबी देगा। और कोई चीज़ ऐसी हैं जिनका ख्याल रखें, क्योंकि जो कामयाबी को खा जाएंगी वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो है, अल्लाह ताला कहते हैं खसारे में पड़ गए वो जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुठलाया, वो लोग जो ये भूल गए कि उनको एक दिन मरना है, अल्लाह के पास जाना है, जो भूल गए ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ एक दिन हिसाब लेगा, वो खसारे में पड़ जाएंगे। अभी नहीं कल पढ़ेंगे, दुनिया में कामयाब रहेंगे तो आखिरत में पढ़ेंगे, जवानी में नहीं पढ़े तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे, स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़े तो प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ेंगे, जो अल्लाह को भूल गए। अगला क्या है, असल तो वो है कि जो क़यामत के रोज़ अपने घर वालों को नुकसान में डाल देंगे। अपनी फैमिलीज़ की इस्लाह कीजिए, अपनी बहनों को समझाइए, अपने भाइयों को समझाइए, अच्छे अंदाज में समझाइए, उनको अल्लाह से जोड़िए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने फ्रेंड्स को समझाइए, सब मिलजुल के। और सबसे अहम बात, शिर्क सबसे बड़ा खसारा है। यह आयत कह रही है, ऐ नबी आपकी तरफ भी और आपसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबिया की तरफ ये वही की जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम खसारे में रहोगे, लिहाजा शिर्क नहीं करना। शिर्क को भी समझना है हमने, शिर्क यह है कि मुझे इंसानों से उम्मीद हो, शिर्क ये है कि मैं किसी इंसान से डरूं कि ये मुझे रिस्क देगा। जो जो काम अल्लाह ने करने हैं हम किसी और इंसान के बारे में सोचेंगे, ये शिर्क है। और सबसे अहम शिर्क जो इस वक्त मुब्तला हो रहे हैं इंडियन फिल्मों की वजह से, वो है मोहब्बत का शिर्क। ये जो मोहब्बत है ना, ये अल्लाह ताला ने, और नफरत, मोहब्बत नफरत ये दोनों जज्बे अल्लाह ने रखे हैं और कहा है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु लिल्लाह। हम इस मोहब्बत को बांट देते हैं, जिस तरह से वहां पे बुतों की पूजा की जाती है हम भी यहां पे बुत बना लेते हैं। सारी मोहब्बत अल्लाह के लिए या अल्लाह ताला ने जिसके लिए कहा, नौजवान बैठे हैं इसलिए बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं आपको, वो मोहब्बत नहीं है जो कुछ यहां चल रही है फिल्मों के बाद, धोखा है, शिर्क है। फिल्में देख देख के गानों के नतीजे हमारे दिमाग में आई है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, और जिससे अल्लाह ने कहा है उनसे मोहब्बत करें, और नफरत करनी है उनसे जिनसे अल्लाह ने नफरत करने कहा है। और उसमें सबसे बड़ा जिससे नफरत करनी है वो शैतान है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, आपका दुश्मन है, वो आपको नाकाम देखना चाहता है। और आखिरी बात आपसे मैं कह दूं कि शैतान को पहचान लीजिएगा, चूंकि उसने ना बाकायदा चैलेंज किया हुआ अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला कि जो आपके इंसान है ना सबको नाकाम करूंगा। आप कह रहे थे बड़ा अच्छा है, आपने फरिश्तों से सजदा करवाया था, मेरी सीट गई है ना, मेरी कुर्सी गई आसमान के अंदर, सबसे ऊपर था मैं, इस इंसान की वजह से छोड़ूंगा नहीं इसको, नाकाम कर दूंगा। नाकाम कैसे करता है? सबसे पहली चीज आपको मायूस करता है, डराता है, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम नाकाम रहोगे। और अगली बात, सबसे अहम बात यह है कि आपको डाइवर्ट करेगा, आपसे वक्त जाया करवाएगा। शैतान वक्त जाया करवाता है, डिस्ट्रैक्शन में डालेगा, ऐसी तमाम चीजें जो डिस्ट्रैक्शन है, जो वक्त जाया करवाती हैं, शैतान आपसे करवाता है ताकि अपना वक्त का पॉजिटिव इस्तेमाल ना करें, कामयाब ना हो जाएं। लिहाजा शैतान से पनाह मांगते रहें, औज़ु बिल्लाह पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और मिलजुल के रहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कामयाबी ना अकेले अकेले घर बैठ के नहीं मिलेगी, मिलजुल के मिलेगी, एक दूसरे के साथ मदद करने मिलेगी। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये हजरात जो यहाँ बैठे हुए, इन्होंने आपकी खातिर ये सब कुछ इंतज़ाम किए हैं, हमें बुलाया है, या आपको कामयाब देखना चाहते हैं। खुशकिस्मत हैं आप लोग, वरना इस वक्त कामयाब देखने वाले नहीं, नाकाम देखने वाले ज़्यादा हैं।
बहुत कम लोग रह गए हैं जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, और अगर ये आपको कामयाब देखना चाहते हैं तो इनकी कदर कीजिए, मिलजुल के रहिए। मेरी आप दरख्वास्त है कि ऐसे इवेंट्स मजीद रखिए, आपस में बैठकर भी सोचिए कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर बनानी है, विजन सेटिंग कैसे होती है, करियर काउंसलिंग कैसे करनी है, कुरान से ताल्लुक कैसे मजबूत होगा, नमाजें कैसे इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू देने की स्किल्स क्या होती हैं, सीवी कैसे बनाना है, छोटा बिजनेस कैसे करना होता है, कम पैसों में बिजनेस कैसे होता है, अच्छी मार्केटिंग की स्किल्स क्या होती हैं, सारी दुनिया की कामयाबी की स्किल्स लिस्ट कीजिए, बैठ के सीखिए, सिखाइए, और सारी वो चीज़ें जो आखिरत में कामयाब करती हैं उनको भी समझिए, और दुआ करते रहिए। सब मिलकर एक दफ़ा दुआ पढ़ें, कौन सी दुआ? सब मिलकर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको कामयाब करे दुनिया में, आखिरत में, और हम सबको भी जहन्नुम की आग से बचाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत देर से बैठ के सुन